नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हर दिन कोई ना कोई नए राज सामने आ रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से पहले एक महिला अतीक से मिलने जेल भी पहुंचती थी। इस मैडम एक्स के जेल पहुंचने पर अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता के बीच झगड़ा तक हुआ था। वहीं इस मामले में पुलिस को अतीक और मैडम एक्स की फोन कॉल डिटेल भी अब हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि ये मैडम एक्स प्रयागराज के करेली की रहने वाली है, जिसकी तलाश भी लगातार पुलिस कर रही है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। वहीं अब माफिया से जुड़ी नई मैडम एक्स का नाम सामने आया है और कुछ दिन पहले से ही महिला के साथ अतीक के संबंध की चर्चा भी तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, ये महिला अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की रिश्तेदार भी है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपहरण कांड में अतीक का अधिवक्ता खान शौकत भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ को पहले तो सजा हुई, उसके बाद उन दोनों की शूटआउट में हत्या हो गई। हत्या होने के बाद से कहा जा रहा था ये मामले की तफ्तीश कहीं थम ना जाए, लेकिन इस मामले की तफ्तीश में रोजाना एक नई जानकारी सामने आ रही है। अब इस हत्याकांड से जुड़ी हुई अतीक की पत्नी और अशरफ की पत्नी दोनों ही फरार हैं। इतना ही नहीं, अतीक और अशरफ की जो बहन है आयशा नूरी, वो भी फरार चल रही है। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जिसमें ये मैडम एक्स कौन है। मैडम एक्स जो जेलों में जाकर अतीक और अशरफ से मुलाकात भी करती थी, इसके पास इस घटना से जुड़े कौन से तारों की जानकारी है, इसको लेकर अब उस मैडम एक्स की तलाश भी तेज हो गई है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये मैडम एक्स फरार चल रही हैं, जिसको लेकर जगह जगह दबिशें भी दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये मैडम एक्स अतीक की पत्नी साजिशा के साथ अक्सर देखी जाती रही हैं और इसी मैडम एक्स के कारण अतीक और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड के से पहले यह महिला बरेली जेल के सीसीटीवी फुटेज में भी देखी गई थी। इसके साथ ही अतीक से मिलने भी पहुंची थी। आखिर ये मैडम एक्स कौन है, इसके विषय पे भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये मैडम एक्स कोई और नहीं वकील की पत्नी है। सबाना नाम बताया जा रहा है, जो फरार चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को इनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, जबकि अतीक और अशरफ की शूट आउट के दौरान हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी भी कई शूटर फरार हैं। इसके साथ ही इस घटना में 3 महिलाएं भी लगातार फरार चल रही हैं, जिनकी सरगर्मी से पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। अब आप कहेंगे वो 3 महिलाएं कौन हैं। पहले तो नंबर पे अतीक की पत्नी साइस्ता है, तो दूसरे पर अशरफ की पत्नी, जबकि तीसरे में अब मास्टरमाइंड जो कही जा रही है वो है खान शौलत की पत्नी सबाना। खान शौलत ये वही हैं जो अतीक का केस भी लड़ा करते थे। इनके ऊपर आरोप था कि इनके द्वारा ही उमेश पाल की फोटो को असद को भेजा गया था। अधिवक्ता को भी आजीवन की कारावास सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी फरार चल रही हैं, जिनको बताया जा रहा है कि वो बरेली देवरिया समेत कई जेलों में जाकर अतीक और अशरफ से मुलाकात भी करती रही है। इसके साथ ही सबाना को एक बड़ी जिम्मेदारी भी अतीक की ओर से दी गई थी, जो कहा जा रहा है कि सबाना पर घर परिवार और उसके गैंग की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ये भी फरार है, जिसको लेकर एसटीएफ के साथ साथ जो यूपी पुलिस है वो भी कई जगह पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक सबाना भी उनके हाथ नहीं लगी है। आखिर सबाना कहाँ गई ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन क्या राज है अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़े राज भी उसके पास हो सकते हैं। इस चीज़ को लेकर लगातार सबाना की तलाश हो रही है। सबाना की गिरफ्तारी के बाद कई राज ऐसे भी हैं जो खुल सकते हैं, लेकिन अब तक उस पर इनाम की घोषणा नहीं की गई है। इनाम
भी उस पर जल्दी जारी होने की संभावना भी बताई जा रही है। फिलहाल जो ये सबाना है, सबाना के पास क्या कुछ राज हैं, क्योंकि वो जेल में जाकर अक्सर मुलाकात करती थी, जिसको लेकर अतीक की पत्नी शाइस्ता और अतीक का अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था। लेकिन अब शाइस्ता के पास जो राज हैं, वो राज उसी के पास दबे हैं। राज उसकी गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे तो किस किस का पर्दा भी उठेगा, इसको लेकर सभी की निगाह इसी हत्याकांड पर लगातार बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो अब अतीक के साथ एक मिसेज एक्स का भी नाम जुड़ने लगा है, जो कि अक्सर अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल तक जाया करती थी, और पुलिस के हाथ जो अतीक की कॉल डिटेल लगी है उसमें भी कई नए नंबर खुले हैं। अब ये मिसेज एक्स कहाँ है और ये कब मिलेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस